उत्तराखंड काशीपुर के कुंडेश्वरी पुलिस चौकी क्षेत्र में आज खनन माफिया के द्वारा पुलिस के साथ अभद्रता का मामला सामने आया है और इस दौरान शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे समेत लगभग 100-125 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पूरे मामले में 20 नामजद लोगों में से 4 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जगदीश चंद्र ने बताया कि बाकी नामजद लोगों को गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। आपको बता दें कि लगातार कुंडेश्वरी चौकी क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस इंचार्ज अर्जुन गिरी द्वारा कार्रवाई की जा रही थी और उसी के बाद हड़कंप मच गया। कार्रवाई से घबराए तथा गुस्साए खनन माफियाओं ने प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के साथ पुलिस चौकी में जाकर न केवल पुलिस का घेराव किया बल्कि इंचार्ज के साथ अभद्रता की, चौकी के स्टाफ के साथ भी बदसलूकी की। इससे पहले उधम सिंह नगर जिले के पुलिस कप्तान द्वारा पिछले दिनों अवैध खनन की शिकायत को लेकर पूरी पुलिस चौकी को लाइन हाजिर कर दिया गया था, सवाल जवाब किए गए थे। उसके बाद काशीपुर तथा बासफोडान पुलिस चौकी में तैनात SI अर्जुन गिरी को यहाँ पर कमान दी गई थी और उसके बाद अब उन पर भी देखा जा रहा है कि किस तरह से कार्रवाई की जा रही है, किस तरह से परेशान करा जा रहा है। तो अब सवाल उठ रहा है कि खनन माफियाओं पर नकेल कैसे कसी जाएगी, अगर नकेल कसने वालों को ही परेशान किया जाएगा तो। आपको बता दें कि इस मामले में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने इसे बहुत ही छोटा बताकर रफा दफा करने की कोशिश भी की है और इसे दबाया जा रहा है मामले को, इस तरह की बात लोगों द्वारा कही जा रही है। ये क्या मामला है, थोड़ा सा पुलिस के नया स्टाफ है और कुछ दिन पहले यहाँ चौकी में कुछ लोगों ने गलत काम किया, जो पहले स्टाफ था उसको देखते हुए प्रशासन ने यहाँ की चौकी को सस्पेंड किया और उसके पश्चात SPD को नया अधिकारी आता, उसके सामने चुनौतियाँ तो होती हैं, तो उसकी चुनौती थी और आगे लोग अपने अपने रहते थे तो दोनों को कहीं ना कहीं टकरा हुआ, तो उसका रास्ता बीच का निकाला गया और ऐसी कोई किसी पर आरोप प्रत्यारोप या ऐसी कोई विषय। पांडे जी, एक वीडियो बनी हुई है जिसमें कुलेश्वरी चौकी का एक दरोगा है जोशी और उसने अपने साथ एक प्राइवेट बंदा बैठा रखा और उसको वर्दी पहना रखी है, वो वीडियो जो है वो भी यहाँ के कोतवाल चंचल शर्मा है, उनके समझाने बात आई है और निश्चित उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इस टाइप से कोई भी अधिकारी ऐसा काम करता है ये कहीं ना कहीं पुलिस की तोहिन है, ये किसी को निकालना चाहिए। आज सुबह कुंडेश्वरी चौकी इंचार्ज को सूचना मिली कि अवैध खनन के कुछ ट्रक अधिकारी हमारी सड़क पे खड़े हैं। इस सूचना पर चौकी इंचार्ज अपने अधिकारी के साथ गए और मौके से 4 खनन के जो डंपर थे उनको लेके आए जिन्हें सीज किया गया। खनन व्यापार से संबंधित जितने लोग थे वो इकट्ठा हुए और उसके बाद यहाँ पर काफी संख्या में पहुंचे जिनके द्वारा चौकी में इंचार्ज के साथ अभद्रता की गई। इस घटना का संज्ञान लिया गया और इस मामले में अभियोग पंजीकृत किया गया जिसमें 20 लोगों को नामजद किया गया है और लगभग 100-125 ज्ञात शामिल है। इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है जिनको न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है, अन्य लोगों के लिए ताबड़तोड़ रजिस्टर जारी है। चौकी पे जब काफी संख्या में भीड़ थी उस समय मुख्यमंत्री श्री अरविंद पांडे जी भी पहुंचे, उनके द्वारा भीड़ में दोनों पक्षों से बातचीत की गई और उसके बाद कुछ समय बाद वो चौकी से चले गए। तो क्या उनको भी मुकदमा कायम हुआ है? भीड़ में माननीय मंत्री भी शामिल थे इसलिए जितने भी लोग उस भीड़ में थे उन सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। तो मुख्य आरोपी कुछ गिरफ्तार हुए हैं क्या? इसमें 4 लोग जिनके अवैध खनन के वाहन थे और जिनके कारण से ये पूरा प्रकरण शुरू हुआ था उनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है, अन्य लोग जो भी इसमें शामिल हैं और जो अभद्रता करते हुए दिखाई दे रहे हैं वीडियो क्लिपिंग्स में उनकी गिरफ्तारी के लिए तो मैंने किस ऑफेंस में उनको गिरफ्तार किया गया है? मुख्यतः इसमें आचार संहिता का उल्लंघन, बलवा और सरकारी कार्य में बाधा से संबंधित IPC की जितनी धाराएं हैं उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है। आज सुबह कुंडेश्वरी चौकी इंचार्ज की सूचना मिली कि जुड़का क्षेत्र में कुछ अवैध खनन के वाहन चल रहे हैं। इस सूचना पर चौकी इंचार्ज मौके पर गए, उनके द्वारा 4 वाहनों को पकड़ा गया और उनको सीज किया गया है। इस सूचना पर वहां पर कुछ स्थानीय लोग एकत्र हुए और उसके बाद कुछ समय बाद चौकी पर भी आए, उसमें कुछ और अन्य लोग भी आए थे
इनके द्वारा यहाँ पर धक्का मुक्की की गई है जो सूचना मिल रही है और में बाधा डालने की कोशिश की गई है। इस मामले की पूरी जांच की जा रही है इस समय और देखा जा रहा है कि इस समय चुनाव आचार संहिता चल रही है और इस समय इस ढंग की चीजें अनवारंटेड है, बाद जांच इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, जिस तरह से खनन माफियाओं ने जो पुलिस के साथ अभद्रता करी है उस पर क्या एक्शन लिया जा रहा है? इस मामले में पूरी तन्मयता के साथ जांच की जाएगी, इसमें सभी पक्षों को सुना जाएगा और उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होगी उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, क्या कोई वाहन भी कोई पंजीकृत करके कुछ सीज किया गया? इसमें मैंने जैसे बताया 4 अवैध खनन के वाहन सीज किए गए हैं चौकी कुंडेश्वरी पे जिनको नहीं छोड़ा गया है। ठीक है।